कस्बा थाना क्षेत्र में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सड़क पर आने जाने वाले व्यापारियों को भय बना हुआ है। अररिया से गुलाबाग 0 माइल जाने वाले NH 57 मुख्य मार्ग है। इस रास्ते प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े व्यापारी गुलाबाग मंडी जाते हैं। व्यापारियों को गुलाबाग मंडी तक पहुंचने में देर सवेर भी हो जाती है। गुलाबाग मंडी से जलालगढ़ के बीच अपराधियों की पैनी नज़र व्यापारियों पर रहती है। आए दिन सड़कों पर सन्नाटा पाकर अपराधी बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़ा ईदगाह के एक मवेशी व्यापारी के साथ कुछ अपराधियों ने हिना ईटा भट्टा के समीप देसी कट्टा दिखाकर नगद कैश लूटकर फरार हो गए। अपराधियों ने व्यापारी से 1,90,000 रुपये लूटे। इससे पहले भी 5 की संख्या में कुछ अपराधियों ने व्यापारी के स्टाफ के साथ लूट के नियत से मारपीट की और कुछ रुपये भी छीन लिए और उनके साथ बुरी तरह मारपीट भी की। वहीं मामले को लेकर कस्बा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज की गई है। यह दोनों ही मामला महज 12 घंटों के अंदर की है। लगातार हो रहे दिन प्रतिदिन चोरी की घटना व्यापारियों में भय का माहौल बना रही है। आ रहे थे दुकान बंद करके, आ रहे थे, कुछ कैश था मेरे पास और जाके हम घर के ओर आ रहे थे, ठीक है। तो झरना पुल के पास मेरे साथ ग्रुप गाड़ी 60 की स्पीड में थी, गाड़ी की चाबी टांग लिया गया, गाड़ी में एडजस्ट करने दरमियान बंद हो गया, ठीक है। उस दरमियान में 5 आदमी थे, वो लोग अपाची से थे, 220 पल्सर से था और एक कौन गाड़ी ध्यान नहीं रह पा उतरा और कलर पकड़ के नीचे लेके गया जंगल में, नीचे की ओर, रोड के नीचे की ओर, मारा मुझे बहुत, सर पकड़ के पेड़ में, पेड़ के डाल से बहुत सारा बार झटका मारा, जिस कारण से दरमियान चोट लग गया और जाके आँख में मारा फाइट लेके, ठीक है, ऐसे झपका मारा और गला वगैरह दबाया और चेस्ट वगैरह में भी मारा, लात जूता लेके उठा पटक दिया। कितने लोग थे वो? 5 लोग थे। कैसे से थे वो लोग? बाइक से थे। कहाँ की घटना है ये? ये झरना पुल के पास। कब हुआ? कल रात 10:10 में ये घटना हुई थी। तो आप कहाँ से आ रहे थे? हम ड्यूटी से आ रहे थे। कहाँ से? अम्बेडकर मार्केट, बी ब्लॉक शॉप है मेरा। क्या करते हैं? वहाँ काम करते हैं, मैकेनिक इंजीनियर का काम। आप कैसे से थे? बाइक से थे और निकाले, बस उतने में बोला कि पट्टा निकालो, पट्टा निकाल सो जान मारो, गाड़ी लेके निकलो। तो जितना में ये बात सुनिए कट्टा निकाला, उतना में झाड़ के बस भागा और हाईवे में चढ़ गया। हाईवे में चढ़ के हाथ से चिल्ला के किसी ड्राइवर वगैरह को रोकने की कोशिश की। इस दरमियान वो लोग डिमोरलाइज होके सोचे क्या फंस जाएंगे, इस कारण से वो लोग भाग गया। किधर किधर भागा वो लोग? वो लोग चले गए किधर? 0 माइल के इधर। कितने लोग थे वो? 5 लोग। उसके साथ हथियार भी था क्या? हथियार भी था, हाँ, कट्टा था। कट्टा उसको देसी भाषा में बोलते हैं, कट्टा जो बोलते हैं वही। क्या पहना था वो लोग? नकाब पोश पहना हुआ था। नकाब पोश? हाँ, मास्क लगाया हुआ था, नकाब, वाइटर। तो आप पे अटैक क्यों किया? क्या कोई दुश्मनी थी क्या पहले से? ऐसा कोई नहीं जी, दुश्मनी तो नहीं है मेरे साथ किसी से। फिर अचानक घटना हुई है? हाँ, अचानक। आपके पास से कुछ लेके भी गया क्या? बैग में मेरा कुछ 2500 रुपया था और 2 मोबाइल था और रेनकोट वगैरह था बैग में और दुकान का चाबी था मेरा। मतलब अचानक ऐसा किया? जी अचानक, हम 60 के रेंज में गाड़ी चला के आ रहे थे, उस बीच में सुनसान पड़ता है ना, तो हम आ रहे थे, बस उसी दरमियान क्लोज करके मैं चालू गाड़ी से बाइक का चाबी टान करके, जिसके दरमियान गाड़ी मेरा बंद हो गया। तो कुछ लेके भी गया वो? बैग लेके चला गया ना, बैग लेके, बैग टाना। बैग में क्या सब था? बैग में कुछ कैश था, 2500 रुपया और लेके 2 मोबाइल और रेनकोट और दुकान। मारपीट भी किया क्या आपके साथ? हाँ, मारपीट किया ना। क्या नाम है आपका? वसीम कुरैशी। घर? घर पर आए थे। क्या हादसा हुआ? कैसे लूट मार हुआ? कहाँ पर? झरना पुल से आगे ईटा भट्टा के पास। हिना ईट भट्टा के पास? ईटा। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? बड़ा ईदगाह से आ रहे थे, खेरिया जा रहे थे, हटिया, मवेशी हटिया। कहाँ जा रहे थे? खेरिया, मवेशी हटिया। खेरिया कहाँ पड़ता है? कटिहार जिला में पड़ता है। वहीं जा रहे थे, मवेशी व्यापारी हैं जी। कितने रुपये लेके जा रहे थे? 1,10,000 मेरे पास था, एक छोरवा मेरे पास और था, उसके पास 80,000 रुपये था। क्या नाम है उस एक लड़का जो? चांद कुरैशी। आपके रिश्तेदार हैं? पड़ोसी। क्या बंदूक के सहारे लूटपाट हुआ था? वो लोग, हाँ, पिस्टल लेके था, 2 पिस्टल, 3 आदमी से। एक हेलमेट पहन? एक हेलमेट था, 2 मास्क लगाया हुआ था। मास्क लगाया हुआ था जी। आपके सर पर कैसा जख्म? वो पिस्टल का कुंडी से मारा, पीछे। इलाज विलाज करवा लिया जी? टका कुल कितने रुपये लूटे गए? 1,90,000 रुपये।